तो दोस्तों सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन को लग चुकी है गोली और एसीपी प्रद्युमन पर गोली चला दिया है अभिजीत ने। अब क्या करेंगे एसीपी प्रद्युमन और अभिजीत ने एसीपी प्रद्युमन पर गोली क्यों चलाई, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एसीपी या फिर अभिजीत लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिए। तो दोस्तों सीआईडी का सीज़न 1 काफ़ी सालों से हम लोग देख रहे हैं और सीज़न 2 को लेकर भी अक्सर कई सारे न्यूज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खास एपिसोड के बारे में जहां पर एसीपी प्रद्युमन को एक कत्ल के जुर्म में फंसा दिया गया है और सब किसी को लगता है कि एसीपी प्रद्युमन ने एक खून किया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि एसीपी प्रद्युमन कभी भी किसी का खून नहीं कर सकते, लेकिन सारे सबूत उनके खिलाफ होते हैं और अभिजीत को भी ये यकीन हो जाता है कि ये खून एसीपी सर ने किया है। लेकिन दया सर ये मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है कि एसीपी सर ने कोई खून किया है। तो जब अभिजीत जो है एसीपी सर के ऊपर बंदूक तान देता है तो दया उस बंदूक को नीचे करने के चक्कर में हाथापाई होने लगती है दया और अभिजीत के बीच, और गलती से गोली जाकर एसीपी प्रद्युमन के हाथ में लग जाता है। तो आखिरकार क्या होगा एसीपी प्रद्युमन का, किसने चलाई उन पर गोली, क्या दया ने चला दी या फिर अभिजीत ने चला दी, सब कुछ हमें पता चलेगा सीजन 2 में।